नवरात्रि का त्योहार शुरू होने के बाद भी सब्जियों पर महंगाई का असर कायम है। व्रत में आलू का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए आलू की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। साथ ही लाल टमाटर की कीमत से उसका भी रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। अमरावती में सब्जी की कीमत पर देखते हैं ये खबर। इस वर्ष बारिश के कारण जिले में सब्जी की फसल प्रभावित हुई है। बाजार में नई सब्जियों के आने में अभी थोड़ा वक्त है, जिससे बाजार में सब्जियों की आवक कम हो गई है और मांग बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पालक, धनिया, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के दाम इस समय काफी बढ़ गए हैं। पालक 80, लौकी, बैंगन, ककड़ी, फली, शिमला मिर्च आदि 80 रुपए प्रति किलो हैं, जबकि पत्ता गोभी 60 रुपए तो फूलगोभी 100 से 120 रुपए प्रति किलो। थोक बाजार में ही सब्जियों की कीमत अधिक होने से खुदरा बाजार में तो और अधिक कीमत पर सब्जी मिल रही है। हरी मिर्च भी इस समय 80 से 100 रुपए के बीच है और पिछले कुछ महीनों से अदरक की कीमत भी 100 से 120 रुपए है। लहसुन पिछले 3 माह से 400 रुपए एक किलो से नीचे नहीं आया, जबकि आलू प्याज की कीमत भी बढ़ गई है। पालक 80 रुपए, टमाटर 80 से 100 रुपए, मेथी 100 से 120 रुपए, फूलगोभी 100 से 120 रुपए, लहसुन 400 रुपए, अदरक 100 से 120 रुपए, शिमला मिर्च 80 रुपए।